के लिए बेहतरीन आधार बनाने का मौका है। आने वाली पीढ़ियां ये 50,000 लाख 2 लाख कमाने का चक्कर नहीं है साहब, ये पीढ़ियां सेट करने का सिस्टम, पीढ़ियां सेट करने का। डायमंड जैसी पिन छोड़ के जाओ, मेहनत करो, डायमंड जैसी पिन छोड़ो, 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की इनकम। आप दुनिया से चले भी जाओगे, आपके बच्चों के नाम, आपके पोतों के नाम, पड़पोते, लक्कड़ पोते, कक्कड़ पोते, खक्कड़ पोते। अब सोचो, करोड़ों रुपया प्रति माह आपके पोतों पड़पोतों के पास आ रहा है, आपकी फोटो पे माला देसी घी की अखंड जोत जलेगी, तो सब हो सकता है। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? क्या बात है लड़ा, गजब लोग हुआ, गजब। सब याद है तुम्हारे, देश के हर कोने में फैला हुआ सिस्टम है हमारा। सन 2000 से शुरुआत हुई, आज 764 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 28 स्टेट, 7 यूटी में 15 लाख से ज्यादा कार्यकृत सेवक हमारे पास में हैं, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास, एक से बढ़कर एक सारे के सारे डेली यूज के प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी है, रिजनेबल प्राइस पे, हेल्थ सपोर्टिव है। इकाइयां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हर जगह पे हमारी ऑल ओवर इंडिया के अंदर ज्यादातर स्टेट में लगी हुई है। हमारे पास 180 डिपो, 10,000 वंडर वर्ल्ड यानी पिकअप सेंटर यानी दुकानें जहां सामान मिलता है, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल हमारी हिंदुस्तान में धड़ल्ले से चल रही हैं। आरसीएम वर्ल्ड जैसी अद्भुत, एक अद्भुत जगह। मैं अक्सर कहता हूं कि इंडिया में जितनी कंपनियां एमएलएम में काम कर रही हैं, सबके ऑफिस मिला लो इजिकल टू आरसीएम, सबको मिला लो बराबर में आरसीएम। आप लोग गए हो क्या? आरसीएम वर्ल्ड गए हो? जो नहीं गया ना, एक बार जाके जरूर आओ, अपने अपलाइन से पूछो कि कब फैक्ट्री विजिट करवा रहे हो, कंपनी विजिट करवा रहे हो, एक बार विजिट जरूर करो। क्योंकि अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता करते हैं तो खानदान चेक करते हैं ना, आप अपनी लाइफ का रिश्ता कर रहे हो तो खानदान तो चेक करो ना, कैसे तो कभी पेशी है तो उसको चेक करके आइए। इस प्रकार से देश के सभी, देश की सभी महिलाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। हमारे पास में महिला सशक्तिकरण की बात करूं, काम करने वाले आरसीएम द्वारा महिलाओं के लिए विशेष श्रृंखला है, महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है हमारी कंपनी चलाती रहती है, बहुत बढ़िया। अभी उड़ान एक कार्यक्रम आ रहा है, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ब्लड हेल्पलाइन जो है आपातकालीन स्थिति में ताजा ब्लड, मैं रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूं, आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऐप पे जाके। आज हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी सी सोचने वाली बात है भाई, थोड़ी सी सोचने वाली बात है, आज इंडिया में 12,000 व्यक्ति प्रतिदिन मर रहे हैं, वो जिनको खून नहीं मिल पाता। आरसीएम एक मुहिम चला रहा है पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे कंट्री में, हमारी हर स्टेट के अंदर हमारे सेवक मौजूद हैं, और आपको पूरे इंडिया में कहीं भी लाइव ब्लड की जरूरत पड़ती है, ताजे खून की, तुरंत प्रभाव से आरसीएम के सेवक उसको अवेलेबल करवा देंगे। बोलो जय, एक अद्भुत है साहब। वृक्ष वृद्धि अभियान चला रहे हैं हम, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं, इसीलिए आज की डेट में, आज मौसम देखो ना आप कितना गड़बड़ा रहा है, आप फोटो देखते होंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, कश्मीर की वो वादियां जो इस समय बर्फ के साथ ढकी रहती थी, बर्फ नाम की चीज नहीं है साहब। ऐसे तो अपनी आने वाली पीढ़ी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगी, कौन सोचेगा उसके लिए, कौन सोचेगा सर, कौन सोचेगा सर। अब कुछ लोग सोच रहे हैं गुलाटी साहब, हम तो यहां पैसे कमाने आए थे, आप कहां वृक्षों में घुसा रहे हो। ये भी अपना एक काम है, ये भी अपना, पैसा तो है ही है, ये भी अपना एक काम है साहब। और इसके साथ साथ सेहत साथी, वुमेन हाइजीन अवेयरनेस और आरसीएम गुरुकुल डेली सुबह 6:30 बजे की ये क्लास साहब, और कंपनी की ये गतिविधियां हैं, वृक्षारोपण, पशु सेवाएं, शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक आयोजन, और ये सारी के सारी गतिविधियां आरसीएम के सेवकों द्वारा जो है पूरे इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे की जा रही हैं। और हमें आपसे कोई चंदे की जरूरत नहीं है साहब, कोई चंदा मांगने नहीं आए हैं, हम आपका सहयोग चाहते हैं पूरे इंडिया में एक ऐसा एनवायरमेंट बनाने के लिए। बोलो सहयोग देने के लिए तैयार हो? कितने लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो? क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ता हूं, ये सब जो चल रहा है इसके पीछे जो हाथ है वो है एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, नन अदर देन हमारे विजनरी फाउंडर माननीय टीसी छाबड़ा साहब,
कि इनको साथ में आसमान तक लेके जाऊंगा और बिल्कुल तैयार हूं, एवरी टाइम रेडी रहते हैं। 95% लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट बना रहा है आरसीएम। आरसीएम के पास नमक भी है तो आरसीएम के पास में कोट पेंट भी है, आरसीएम के पास जूता है, आरसीएम का भुजिया भी है। 400 प्रोडक्ट इस प्रकार से आरसीएम दे रहा है साहब। दूसरी कंपनियों की तरह 5% मार्केट कवर नहीं करते हम। मजदूर की भी नमक जरूरत है और प्रधानमंत्री की भी नमक जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि रेट में पूरे डाके डाले जाते हो ना। टाटा का नमक मार्केट में कितने रुपए का आता है? 28 का। ज्यादातर घरों में टाटा यूज होता है। टाटा में कितना पीपीएम है कोई बताएगा? 15 पीपीएम है, 15 पीपीएम है। आरसीएम का नमक कितने रुपए का आता है? 17। कितना पीपीएम है? 30 पीपीएम। क्वालिटी उससे बेस्ट और रेट उससे। अगर डाका डालना होता तो यहां भी तो 28 रखा जा सकता था। हाथ थोड़ा कर पा रहे सर? लेकिन इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं ली जाती। आरसीएम आपने ज्वाइन किया, कोई रजिस्ट्रेशन फीस किसी से ली गई? ध्यान से सुनना इस लाइन को। दूसरी कंपनियां रजिस्ट्रेशन के नाम पे 20-20, 30-30 हजार ले जाती हैं। जैसे ही आप उनकी मीटिंग में एंटर होंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, जूस मिलेगा, लंच में आपको बटर नान, कढ़ाई पनीर, ठंडी खीर मिलेगी। और एक झटके में कब करी जेब से 30 हजार निकल जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। आरसीएम की किसी मीटिंग में आपको ये सब मिला? ना ही आगे उम्मीद रखना। अब 30 हजार दे के आते हैं सर, और आप 30 हजार पूरे करने के चक्कर में अपने 5-10 रिश्तेदारों के वो पैसे लगाते हैं। इतने में कंपनी रफू। मेरा यकीन कीजिए साहब, पिछले 23 साल में आरसीएम जब से शुरू हुआ है तब से लेके आज तक 1.5 लाख से ज्यादा कंपनियां आरसीएम के जैसी शुरू हुई हैं और खत्म हुई। 1.5 लाख क्यों? क्योंकि उनका केवल और केवल एक ही मोटो था, अपनी जेब भरना। लेकिन आरसीएम क्या है साहब? यूं तो भरने को दुनिया में जानवर भी पेट भरते हैं, जो मिलके बांट के खाए उसे आरसीएम कहते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ नहीं लिया जाता सर। वहां 30-30 हजार रुपया, 30 हजार रुपया एक कटोरी ठंडी खीर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू? कब करी कल झटका दे तेरे को कौन सी कंपनी? और मैं शुक्र अदा करता हूं परमात्मा का, परमात्मा का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि मैं कोई ऐसी कंपनी में नहीं फंसा सर। मैं सही हाथों में गया सर, सही हाथों में गया। और यू आर वेरी लकी कि आप बिल्कुल सही हाथों के अंदर आए हैं। बहुत सुंदर व्यवस्थित, बहुत बेहतरीन हाथों के अंदर आए हैं। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती। पे आउट बहुत तगड़े तगड़े हैं आरसीएम में। 20,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 रुपए लोग कमा रहे हैं आरसीएम बिजनेस से। आप अपने नेटवर्क के दम पे बढ़ा सकते हैं। यूएस है हमारे साथ में। और अब जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं आपसे, गामा, गामा का, गामा का, गामा का गजब का प्रोडक्ट। आज इंडिया में गामा ओरिजिनल बहुत बेहतरीन तरीके से रन कर रहा है। इतनी सारी बीमारियों में वन नेचुरल सॉल्यूशन। आपको थायराइड की समस्या है, आपको किडनी की समस्या है, आपको कोलेस्ट्रॉल का चैलेंज है, आपको मधुमेह का चैलेंज है, आपका बीपी का अप डाउन का फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कैंसर तक के इलाज किए सब इस प्रोडक्ट में। कैंसर तक के, कैंसर तक के आप दूर मत जाओ। आप मुझे, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं क्या जिनको गामा इस्तेमाल करने से कोई ना कोई रोग में उनको लाभ मिला है? एक बार हाथ खड़ा करें, एक बार खड़े होंगे अपनी जगह पे। क्या बात है, आप सबको लाभ मिला है? सच बोल रहे हो? अच्छा मैंने पैसे किस किस को दे रखे हैं बोलने के लिए? किसी को दिए क्या? आपको क्या प्रॉब्लम थी सर? शुगर था। शुगर था। आपको क्या प्रॉब्लम थी? हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। आपको क्या प्रॉब्लम? अस्थमा। अस्थमा। आपको क्या प्रॉब्लम थी? पैरालिसिस। आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर में काम कर रहा है। कैंसर में काम कर। आपको क्या प्रॉब्लम? जी डायबिटीज और कब्जियत। आपको क्या प्रॉब्लम? लंग्स में। आपको क्या प्रॉब्लम? हमारे मिसेज को दिक्कत थी, वो
मेरी बीपी बी शुगर वगैरह की तो सब सही है। अब सही है। अब ये चार पांच मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। ऐसे सब के पास मैं आऊंगा ना तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन और वंडरफुल प्रोडक्ट है साहब, एक गजब का प्रोडक्ट है। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मार्केट से अगर आपको ये खरीदना पड़ जाए ना तो 2700 रुपए का एक महीने का खुराक है मार्केट से। क्योंकि हिंदुस्तान में केवल और केवल एक ही कंपनी बना रही है, वो है जय। मार्केट से आपको लेना तो या तो जापान का लेना पड़ेगा या अमेरिका का। 2700 रुपए का एक महीने का। आरसीएम कितने रुपए का दे रहा है एक महीने का? 450। 6 महीने का कितने का हो गया? 2700 का। यानी जितने में वो एक महीने का दे रहा है इतने में ये। अगर डाका डालना होता तो ये भी 2700 का रख सकता था। मोनोपोली थी, कोई और बना ही नहीं रहा है, अपनी बना रहे हैं, रेट जितना मर्जी रख सकते हैं। लेकिन इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से कॉस्टिंग और अपना छोटा सा मुनाफा रख के मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लेके आता है आरसीएम। इसीलिए आज लाखों लोग हर महीने आरसीएम के साथ में आ रहे हैं और ये परिवार हमारा बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। इतनी सारी बीमारियों में ये फायदे करता है। Forever Healthy with ईसा विशिष्ट का ये YouTube चैनल है। आप इस चैनल पे जाइए, आपको खूब टेस्टिमोनियल मिलेंगे। कुछ एक लोगों से मैंने बात करवाई आपसे, मैंने तो सिर्फ बीमारियां ही पूछी हैं, वहां डिटेल में आपको जो है चर्चाएं मिलेंगी कि क्या प्रॉब्लम थी, कितने टाइम लिया, कैसे कैसे लिया, वो सारी चीजें जो है आपको डिटेल में मिल जाएंगी। और सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ एक कैप्सूल लेना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, और रात को खाना खाने से पहले एक कैप्सूल लेना है, उसके बाद खाना खाना है। बहुत बेहतरीन और वंडरफुल ये प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ हमारा जो मिशन है वो 5 करोड़ लोगों को स्वस्थ करने का है इस प्रोडक्ट से। बोलो हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? कौन कौन लोग साथ देने के लिए तैयार? देखो जरा, सब देने के लिए तैयार है ना? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। और आगे बढ़ता हूं मैं। अब बात करते हैं हाउ टू वर्क इन आरसीएम। जानना चाहते हैं? Yes! इसके लिए थोड़ी देर हाँ कोई नहीं, फिर फ्री होके फिर कर फ्री हो। एक बार हाथों को जरा ऐसे निकालेंगे, बात जिसके पास खुद के हाथ ऐसे निकालो ना, कुछ 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 ऐसे पहले ऐसे ऊपर ले जाओ। बहुत देर होगी आपको बैठे करेंगे हुए? चलिए अब हाथों को खोलेंगे। अब ध्यान रखना मेरे शब्दों की तरफ, मैं क्या बोलूंगा। मैं बोल रहा हूं लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं। अरे गुरुआ तुमने बोलना नहीं है, तुमने सुनना। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। अब मैं क्या करूंगा और मैं क्या कहूंगा वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा अगले 2 मिनट में। हाथों को ऐसे खोलो ईमानदारी से, तुम्हें माँ की कसम हाथ नहीं खोले तो। ऐसे खोलो पूरा ऊंचा और ध्यान मेरी तरफ रखना। जब मैं बोलता हूँ 1 2 3 बोल के, जब मैं क्लैप बोलता हूँ क्लैप, तो दोनों हाथों को खींच के क्लैप करेंगे जैसे दुश्मन का गाल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, हो जाएगा सर? 1 2 3 क्लैप। वेरी गुड, हाथ ऐसे रखो जरा ऊंचा कर आंटी, ऐसे ऊंचा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खोले हाथों को 1 2 3 खोले हाथों को 1 2 3 खोले हाथों को 1 2 3 क्लैप। तो मैंने बोला ही मैंने क्या बोला क्या बोला? लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोगों करते। एक बार दो बार आप लोगों को करना, एक बार दो बार आप लोगों करना सिखाओ। एक बार उंगली ले जाओ ऊपर, जिस बार खुद की उंगली है ऊंची लेके जाओ। मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको? yes! या स्टेज पे चढ़ू ऊपर? yes! दिखाई दे रहा हूँ? yes! अच्छा, अपनी इस उंगली को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे और यहाँ ठोड़ी पर लगाएंगे। अब मैंने बोला ठोड़ी, ठोड़ी तो ये है, उंगली कहाँ है? लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। आप लोगों को करके दिखाइए साहब, ये इंडिया है, ये इंडिया, ये हाउ टू वर्क इन आर सीम, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ साहब। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना है तो आज ही गोल सेट करो।
जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई गोल मोल है। वो फुटबॉल के ग्राउंड में खिलाड़ी जाता है, अगर दोनों साइड में गोल ना हो तो फुटबॉल को लेके कहां जाओगे? गोल मोल घूमते रहो। ऐसे ही जिंदगी में गोल होना बहुत जरूरी है साहब। आप नौकरी पे जाते हैं, आपका गोल होता है मेरे को इतने बजे तक ऑफिस पहुंचना है, उसी के हिसाब से आप रेडी होते हैं, तैयार होते हैं और आप समय पर ऑफिस पहुंच जाते हैं। आपका गोल है इस महीने मेरे को इतना पैसा बनाना है, हर रोज मैं ऑफिस जाऊंगा तो इतनी तनख्वाह मुझे मिल जाएगी, इतने दिन नहीं जाऊंगा तो ये कटेगी और इतना मेरे को पैसा मिलेगा। ऐसे ही आप गोल बनाइए। आप अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, आपको व्हीकल के नाम पे क्या क्या चाहिए, आपको आपको सोफा चाहिए, आपको घर में जो है लग्जरी कारें चाहिए, आपको बढ़िया घर चाहिए, मकान चाहिए, आपको सुंदर व्यवस्थित फर्नीचर चाहिए, आपको बड़ा फ्रिज चाहिए, LED चाहिए, आपको स्कूटी चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए उसको लिखो, उसको ये लिखना बहुत जरूरी है साहब, ये लिखना लिखेंगे तो वो चीज आपके नजदीक आएगी। हमारे गुरुदेव बीसी छावड़ा साहब अक्सर मेरे को बताते हैं, बात मीटिंगों में भी बताते हैं कि मैं छठी क्लास में पढ़ता था और एक लड़की भी छठी क्लास में पढ़ती थी, उसका नाम था इंदिरा, लेकिन बीसी सर शर्माते थे और वो उससे बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन वो बीसी सर बोलते थे कि मैं अपनी डायरी पे अपनी कॉपी पे इंदिरा 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 लिखता रहता था, इंदिरा 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 लिखता रहता। जिसको जितना ज्यादा शिद्दत से चाहोगे वो चीज कायनात आपको देने के लिए तैयारियां बनाएगी। एक दिन ऐसा आया, इंदिरा मुस्कुराई और काम बात फॉलो कर पा रहे हैं। तो आपको भी अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। आपको रॉयल्टी जाना है, आपको टेक्निकल जाना है, आपको स्टार भी जाना है। आप अपने गोल को सेट कीजिए, बिगनर से स्टार डायमंड तक आप कब पहुंचेंगे इसको लिखिए, लिखना जरूरी। नेक्स्ट वन इज मंथली वीकली एंड डेली। फिर जो आपने लिखा है उस पर मंथली आप कितना काम करेंगे, इस सप्ताह कितना काम करेंगे और डेली कितना करेंगे कि सप्ताह का कोटा पूरा हो, सप्ताह में कितना करेंगे कि मंथली पूरा हो, और मंथली कितना करेंगे कि शॉर्ट टर्म पूरा हो, और शॉर्ट टर्म कितना करेंगे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पूरा हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये नीचे वाला डेली। जिस जिसने अपने डेली गोल सेट किए वही इस इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे गया। मैं 5 साल में स्टार भी गया सर, 5 साल में 4.5 करोड़ की टर्नओवर मैंने निकाली सिर्फ 5 साल के अंदर। उस समय जब प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं था, उस समय जब पिकअप सेंटरों के नाम पे कुछ नहीं था, उस समय जब अचीवर्स के नाम पे कुछ नहीं था, हमने क्या किया, सिर्फ एक ही काम किया, 100% विश्वास किया और हर रोज काम किया। क्या आप कर सकते हैं? Yes. हर रोज कर सकते हैं? Yes. अच्छा, डॉक्टर क्लिनिक कभी कभी खोलता है कि हर रोज? Yes. बोलो। Yes. धोबी कपड़े हर रोज धो रहा है कि कभी कभी? Yes. नाई बाल हर रोज काट रहा है कभी कभी? Yes. सब्जी वाला सब्जी हर रोज दे रहा है कि कभी कभी? Yes. दुकानदार दुकान हर रोज खोलता है कि कभी कभी? Yes. आरसीएम वाला आरसीएम कभी कभी कर रहा है कि हर रोज? वही यहाँ है सर, पॉइंट यहां है। क्या आपको विश्वास है आरसीएम के ऊपर? Yes. कि आपको आरसीएम 50 लाख दे सकता, विश्वास है? Yes. ना, विश्वास है तो हर रोज क्यों नहीं कर रहे भाई? Yes. किसका इंतजार कर रहे हो? कौन आएगा अली दीन का चिराग जो घिसेगा और थोड़ा तू स्टार भी बन जाएगा? ऐसा होगा क्या? No. No. किसको करना पड़ेगा? खुद को। विश्वास है? Yes. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कवारे लोग हैं हमारे बीच में जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ खड़ा करो जो अनमेरिड है। हाँ, वेरी गुड। एक बार मेरे पास आओ, एक आध बच्चा आ जाओ, तुम आ जाओ, कोई भी आ जाओ, वो आओ जिसकी कोई सेटिंग वेटिंग ना हो, पहले बताओ। अनमेरिड अनमेरिड प्योर। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो हो गया। क्या नाम है बेटा? सुशील पटेल। पटेल जी, अब पटेल साहब मेरे साथ है, अब देखो ध्यान से सुनना, कोई मतलब सेटिंग वेटिंग चेक करने का, ठीक है? अब ध्यान से सुनना पॉइंट को, पॉइंट क्या है, व्हाट इज द लॉजिक, क्यों बुलाया मैंने इसको, इसके पीछे लॉजिक है सर। पटेल साहब, आपको विश्वास है कि आपकी शादी होगी? हाँ होगी।
बात समझ में आई कुछ? विश्वास है, वेरी गुड, वेरी नाइस। पटेल साहब आपको विश्वास है कि आपके बच्चे होंगे? क्या बोल रहा है पटेल? बच्चे लड़की का आता पता बच्चे पॉइंट पकड़ना, पॉइंट पकड़ना, व्हाट इज द लॉजिक? पटेल लड़की देखने के लिए पहले घर पे गए लेकिन बात नहीं बनी, फिर भी तुम्हें विश्वास है कि शादी होगी? हाँ होगी। अच्छा दूसरे घर में गए वहां भी बात नहीं बनी, फिर भी विश्वास है? हाँ होगी। तीसरे घर में गए विश्वास है? हाँ होगी। चौथे घर में गए बात नहीं बनी, फिर भी विश्वास है? हाँ होगी। दस घर में गए बात नहीं बनी, विश्वास है? होगी। अब पॉइंट पॉइंट कुछ समझ में आया तुम्हें? तुम एक दो तीन लोगों को समझाते हो और वो ना कर देते हैं, तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है कि मेरा आरजीएम नहीं चलेगा। क्यों भाई क्यों? मरवाओगे आप तुम? एक पेपर लगवा दिया आपसे, चलो ठीक है। विश्वास डगमगाता है कि नहीं डगमगाता? हम चार लोगों को समझाते हैं तो पांचवें के पास नहीं जाते, डाउट होता है ना कि चलेगा कि नहीं चलेगा। नटी साहब तो बोल के चले गए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? डर लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। लेकिन ये दस घर में ना मिली उसके बाद भी छोरे को विश्वास है शादी? पटेल 15-20 घरों में भी बात नहीं बनी, होगी। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हमें पता है, हमारे हमारे बच्चे बच्ची गार्जियन पेरेंट्स जाते हैं, एक घर बात नहीं बनी, दो घर, पांच घर, सात घर, दस घर, 15 घर, कंटिन्यू एफर्ट्स करते हैं लेकिन मामला सेट। ये जितने लोगों के सेट हुए ना पटेल, इनका भी ऐसे ही था। एक जगह पहली जगह शायद ही कोई, मतलब मेरा कहने का क्या है कि पटेल को विश्वास है कि शादी होगी, बच्चे होंगे। एज इट इज माय डियर फ्रेंड्स, आप भी विश्वास रखिए कि परमात्मा ने आपके लिए, आपकी टीम के लिए स्टार रूबी बना रखे हैं, ढूंढना आपको पड़ेगा।